आजम खान और परिवार से सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नरेश उत्तम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। तो आपको बता दें कि सीतापुर की जेल में आजम खान बंद है अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ, और कल ही उनको दरअसल आपको बता दें कि रामपुर की जेल से सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया, और अब एक एक करके जो सपा के नेता हैं वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। कल अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे थे और आज नरेश उत्तम जो कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और इस दौरान मुलाकात के बाद उन्होंने एक बयान दिया, सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला और कहा कि सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। तो इस दौरान अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी सरकार पर ही हमला बोला था। आजम खान जो लगातार बोलने की कोशिश कर रहे थे और जब सीतापुर जेल पहुंचे तो वहां पर बोला गया और कहा कि सरकार का निर्णय है और हर कोई जानता है ये आखिरकार क्यों हुआ है और इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल आजम खान से मुलाकात का सिलसिला कई बड़े बड़े चेहरों का, और ऐसे में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मुलाकात करने उनसे पहुंचे सीतापुर की जेल में, जहां पर बीजेपी की सरकार पर उनका ये हमला रहा और कहा कि सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। तो कई मामलों को लेकर जिस तरह से लगातार परेशानी मुश्किलों में आजम खान फंसे हुए थे, उसके बाद अब यहां कोर्ट ने 2 मार्च तक उन्हें जेल में भेजा है। 2 मार्च को इसमें अगली सुनवाई होगी। अमरजीत सिंह फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, सपा के एक एक करके नेता सभी सीतापुर जेल पहुंच रहे हैं और मुलाकात आजम खान से कर रहे हैं और हमला हो रहा है सरकार पर। बयान यहां पर फिलहाल नरेश उत्तम का। देखिए, जिस तरीके से कल जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान से मिलने आए थे, उसके बाद आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जो कि देर रात ही सीतापुर आ गए थे और सुबह जो है उन्होंने आजम खान से मुलाकात की। आजम खान से मुलाकात के बाद जो मीडिया से बातचीत की है नरेश उत्तम ने, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो भाजपा सरकार करवा रही है। इतने बड़े नेता पे बकरी चोरी और किताब चोरी, लकड़ी चोरी जैसे मुकदमे जो लिखवाए जा रहे हैं, इनसे साफ तौर पर चलता है कि यह पूरा काम द्वेष भावना के चलते किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कल भी भाजपा पे हमला बोला था सपा के नेताओं ने, और आज भी जो है इसका पूरा जो है आरोप जो है वो भाजपा पे ही लगाया गया है कि भाजपा जानबूझ के वो करवा रही है। तो इस तरीके से जो है और लगातार जेल में सपा के नेताओं का आना जारी है, मुलाकातें चल रही हैं। आज आजम खान के बड़े बेटे जो है आदिब आजम खान और उनकी पत्नी सिद्रा और उनकी पोती जो है जायना भी उनसे मुलाकात करने के लिए जिला जेल पहुंची हुई है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।